हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेपअप आईएएस। इन एस के न्यूज़पेपर डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 22 फरवरी है, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोचिंग के बारे में एक छोटी सी जानकारी है, उसको ले लेते हैं। फीचर्स आपको बताया जाता है रेगुलरली। देखिए, एक प्रोग्राम है क्लासरूम स्ट्रक्चर का और दूसरा है पर्सनल गाइडेंस का। तो फ़र्क आप क्लियर कट समझ सकते हैं। अगर आपको बेसिक भी जानकारी चाहिए और कैसे क्लास में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं एंड यू नीड द क्लासरूम प्रोग्राम, तो उसके लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है। और इसके अलावा कुछ लोग जो कोचिंग वगैरह कर चुके हों, अगर उनको तैयारी के लिए अप्रोच करना है या उनको प्रैक्टिस समझ में नहीं आ रही कैसे करें, या फिर एक दो साल हो चुके हैं या कुछ अटेम्प्ट्स निकल चुके हैं तब लग रहा है कि प्रिपरेशन सही से नहीं हो पा रही है या कमी क्या है ये समझ नहीं आ रहा, तो आप ज़रूर अप्रोच करें गाइडेंस वाले प्रोग्राम में। इसमें एक छोटा सा ग्रुप होता है और ऐसे लोगों का एक स्पेशल ग्रुप होता है और उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं, तो आप अप्रोच कर सकते हैं इसको जानकारी जानने के लिए, या आके मेंटर से आप मिल सकते हैं। मुखर्जी नगर में कोचिंग है, या फिर ऑनलाइन गाइडेंस के लिए भी आप अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। और आज का पहला आर्टिकल इंडिया यूएस के रिलेशन पर है। आपने देखा होगा सी राजा मोहन का एक बड़ा सा आर्टिकल आ जाया है न्यूज़पेपर में, तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। इसमें एक्चुअली अभी ट्रम्प साहब दिल्ली आने वाले हैं, यानी कि इंडिया आने वाले हैं, और इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे चीज़ों को आगे कंटिन्यू करना चाहिए, यही बार बार आर्टिकल में लिखा जा रहा है। तो आज वाला जो आर्टिकल है वो थोड़ा सा डिटेल्ड में लिखा गया है कि उसमें जो अमेरिका के क्या क्या अफेयर्स रहे हैं और कैसी पॉलिसीज़ रही हैं पास्ट में, प्रेजेंट में उसका क्या स्ट्रक्चर है, फिर गल्फ़ कंट्रीज़ में इनका रवैया कैसा रहा है, तो इन सभी चीज़ों को टारगेट करते हुए आर्टिकल को लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें हम शुरुआत कर रहे हैं बेसिक से। देखिए, यहाँ पर एक वर्ड है हॉलीवुड टू बॉलीवुड। हॉलीवुड कहाँ पर है? यूएस में है, और यूएस में जो एरिया है लॉस एंजल्स का, वहाँ पे हॉलीवुड है। तो ये हम बेसिकली यहाँ पे ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, और बॉलीवुड आपके मुंबई में है, तो वहाँ से लेकर के वो जो एरिया है लॉस एंजल्स का, वहाँ से लेकर के बॉलीवुड का यानी मुंबई के रीजन तक, अभी दिल्ली और यूएस का पिछले कुछ दिनों से ये कोशिश रही है कि जो कोऑपरेशन है दोनों कंट्रीज़ के बीच में उसको और मेंटेन किया जाए, खास करके इंडो पैसिफिक रीजन में। ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, जो पूरा इंडियन ओशन है और पैसिफिक ओशन है, इंडो पैसिफिक का रीजन है, वहाँ पर कैसे हम दोनों के टाइप्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें चाइना को काउंटर करना है। जिस तरीके से इंडिया को लगता है कि चाइना की तरफ से इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल कई बार थ्रेट समझ में आता है, उसी तरीके से यूएस का भी अपना जो सुपर पावर बनने का उनका है कि ही आई मीन यूएस इज़ द सुप्रीम, उस टैग को कंटिन्यू रखने के लिए उनको भी चाइना को काउंटर करना ज़रूरी है। तो ये जो एक कॉमन प्रिंसिपल्स हैं उसके लिए इंडो पैसिफिक में तो बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है, लेकिन अदर साइड में जैसे जब हम बात करते हैं वेस्टर्न साइड की, वेस्टर्न इंडियन ओशन साइड की, अफ्रीकन कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर इस कोऑपरेशन को लेकर के जाने की ज़रूरत है। ये जो कोऑपरेशन है वो बॉलीवुड तक सीमित ना होकर के इसको एक्सटेंड किया जाए ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका तक। ठीक है, ये पूरा सुझाव है। इसी को आप अगर एक और आर्टिकल से जोड़ें, एक आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था कि यूएस किस तरीके से रशिया का इंटरफेरेंस बढ़ रहा है कहाँ पर, इंडियन ओशन में, और रशिया इंडियन ओशन में अब आना चाहता है यहाँ पर अपने बेस, नवल बेस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाना चाहता है। इसके लिए एक अभी वो भी हुआ था, एक्साइज भी हुआ था रशिया का, चाइना का और साउथ अफ्रीका का हुआ था, जो मुझे याद आ रहा है। तो वहाँ पर देखिए रशिया का किस तरीके से इंटरफेरेंस और इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, चाइना का तो ऑलरेडी है ही, तो ऐसे में अब अगर इंडिया और यूएस का अपना क्या कोऑपरेशन हो सकता है इस यहाँ पर बढ़ाने के लिए, ताकि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनको भी हम साथ लेकर के चलें इस स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन में। ठीक है, तो ये तो अभी एट प्रेजेंट जो सिनेरियो है हमने उसके बाद की। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं, हिस्ट्री में चलते हैं। 1970s का समय था जब ग्रेट ब्रिटेन, जिसको आप कहते हैं, उस समय में ऑब्वियसली उसके पहले का जो एरा था वो ब्रिटेन का एरा था,
अपनी कॉलोनीज़ बनाना और हर तरीके के पासेस को, गल्फ को अपने अकॉर्डिंगली इस्तेमाल करना. ऑब्वियसली ब्रिटेन के कंट्रोल में सारी चीज़ें हुआ करती थी, ऑलमोस्ट नॉट द होल ऑफ द वर्ल्ड बट द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन 70s के तक आते आते क्या हुआ, 1970s तक आते आते उनका जो इन्फ्लुएंस है वो ख़त्म हो गया कहीं ना कहीं. उनकी जो कॉलोनीज थी उन्होंने वापस कर दिया. फिर बाकी जैसे स्वेज कनाल वगैरह सब पे भी जो उनका डोमिनेंस था वो उसको कम किया गया. लेकिन इस गैप को फिल करने के लिए एक और पावर तैयार थी, वो था यूएस. और उसके बाद यूएस का इन्फ्लुएंस बढ़ना शुरू हुआ, हालांकि उसके पहले भी था लेकिन उसके बाद तो पीक पर पहुंच गया यूएस का पूरा इन्फ्लुएंस, और यूएस सुपर पावर की तरह बन गया. तब से लेकर के आज तक, यानी कि आप अगर बराक ओबामा या ट्रम्प की बात करें तो उसके पहले तक क्या पूरा सिनेरियो रहा यूएस का, वो रहा कि डोमिनेंस अपना बरकरार रखना, क्रिएट करना, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, स्ट्रेटजिकली, हर एंगल से. ठीक है, तो हालांकि यूएस एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उनका जो डोमिनेट करने का तरीका है वो डिफरेंट है. अब यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड में ही डिस्कस कर रहे हैं कुछ वॉर्स के बारे में, और स्पेशली गल्फ नेशंस के बारे में. इस्लामिक रेवोल्यूशन को आप जानते हैं, जो कि ईरान में हुआ था, बढ़ते हुए ऑयल की प्राइसेस, उसके बाद जो अरब वर्ल्ड में इस्लामिक रेवोल्यूशन को लेकर के आने का या एक्सट्रीमिज्म को फैलाने का थ्रेट, इसके बाद सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान में ऑक्यूपेशन, इंटरफेरेंस, इन सभी ये सारे एक्टिविटीज़ इवेंट्स चल रहे थे. इसमें अमेरिका इन सब में बीच में आता है क्योंकि अमेरिका को अपनी सिक्योरिटी कंसर्न थी. तो उसने अफगानिस्तान, उसके बाद आपको याद होगा एक मूवी आई थी एयरलिफ्ट, जिसमें कि कुवैत और इराक के वॉर को दिखाया गया, कैसे इराक ने अटैक किया था कुवैत के ऊपर. तो कुवैत की सॉवरेनिटी को, 1990s की बात है ये, 91 की बात है, कुवैत की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका का इंटरवेंशन, यूएस का इंटरवेंशन होता है. इधर अफगानिस्तान में यूएस का इंटरवेंशन होता है, अफगानिस्तान में तालिबान को क्रिएट किया जाता है, और इसमें समहाउ पाकिस्तान का असिस्टेंस भी लिया जाता है. तो ये सारी एक्टिविटीज़ लगातार चलती आ रही थी एक के बाद एक के बाद एक. लेकिन जब सोवियत यूनियन का विघटन हो गया, टूट गया, और फिर वहाँ से अफगानिस्तान से वापस चला गया रशिया, तो अब वहीं अफगानिस्तान में फिर से जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होने शुरू हो गई तालिबानियों के साथ. और फिर 2001 में इसका उलट वार अमेरिका के ऊपर हो गया. तो उसके बाद अमेरिका ने सोचा कि अब तालिबान को ख़त्म करना है, और अभी हाल में कई सारे एग्रीमेंट्स और इवेंट्स भी हुए हैं. तो ये सारी बातें क्यों हो रही हैं, बातें इसलिए हो रही हैं कि आपको पता होगा कि अमेरिका अब अफगानिस्तान से वापस जा रहा है. अब इससे बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि अफगानिस्तान में अमेरिका था, तो बिल्कुल आपको बता दें कि यूएस अफगानिस्तान में अभी तक, वहाँ यूएस की जो मिलिट्री है वो वहाँ पर है, वर्किंग है, लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि यहाँ से जाएं. ठीक है, अब वो ऐसा क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि जब से ट्रंप गवर्नमेंट आई है तो वो ये जो एंडलेस वॉर्स हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं. और ये ट्रंप के मैनिफेस्टो में भी था, इलेक्शन का जो मैनिफेस्टो था वहाँ पे भी उन्होंने क्लियर कर दिया था कि हम इस एंडलेस वॉर को ख़त्म करेंगे, क्योंकि इससे हमारी ऑब्वियसली इकोनॉमी पर असर पड़ता है, और हमारी सिक्योरिटी के लिए हम वहाँ पर जा कर के वॉर करें ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. तो इसलिए जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इसके पूरे खिलाफ़ है, और ऑब्वियसली इसके पहले के इवेंट्स को इन्होंने काफ़ी बुरा भला भी बोला है कि वो जो इवेंट्स थे, इतने वॉर को छेड़ा गया या बाकी जगह पर जा कर के इतनी इन्वॉल्वमेंट किया गया, इकोनॉमिक लॉस हुआ, वो सब बेकार की बातें थी. तो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट का मानना है. अब मुद्दा ये है कि अगर अफगानिस्तान से अमेरिका चला जाता है अपने मिलिट्री ट्रूप्स को लेकर के, तो क्या इंडिया को कंसर्नफुल होने की ज़रूरत है? तो बिल्कुल ज़रूरत है इंडिया को कंसर्नफुल होने की, क्योंकि अफगानिस्तान में अगर कोई ऐसी मिलिटेंसी ग्रुप्स अभी फिर से इमर्ज होते हैं, या पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में बढ़ता है, तो वहाँ पर हो सकता है कि फिर से टेररिज्म को इंट्रोड्यूस किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, और फिर उस टेररिज्म का इस्तेमाल गलत तरीके से इंडिया पर किया जाएगा. तो इसलिए इंडिया को कंसर्नफुल होने की ज़रूरत यहाँ पर बिल्कुल है. साथ में अगर ये जगह खाली होती है तो जो अदर ग्रेट पावर्स हैं, रशिया, चाइना, ये वहाँ पर जाकर के अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द गल्फ नेशन, स्पेशली अफगानिस्तान. और यहाँ पर किसी अदर पावर का इमर्ज होना इंडिया के लिए अपने आप में एक खतरे की बात है. तो
तो इसीलिए अब चूंकि कुछ ऐसे इवेंट्स हुए, इससे लगता है कि ट्रंप यहाँ से अपने जो ट्रूप्स हैं उसको लेकर के वापस जाएंगे, क्योंकि उनका एग्रीमेंट भी हो चुका है तालिबानी जो लीडर्स हैं उनके साथ कि वो विदड्रॉल करेंगे। हालांकि उन्होंने उनसे आपस में एग्रीमेंट किया है कि उसके बाद शांति बनी रहेगी, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि यहाँ शांति बनी रहे। उसके बाद कई और इवेंट्स हैं, जैसे ऑयल क्राइसिस है, अब तो यूएस में ऐसी कोई ऑयल ऑयल क्राइसिस है नहीं, तो उनको गल्फ कंट्री से वैसे भी ज़्यादा कोई मतलब है नहीं। और अब ये मानना है यूएस का कि अगर यहाँ पर अफगानिस्तान में का कंसर्न इंडिया के साथ है, तो डेफिनेटली इंडिया को इंटरवीन करने की ज़रूरत है और यहाँ पे इंडिया को बीच में आना चाहिए। हालांकि बीच में ये पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन को भी डिस्कस करते हैं कि कैसे इस समय में अभी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, हालांकि पहले यूएस पाकिस्तान की तरफ झुका हुआ ज़रूर था बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजंस, बट इन द नाउ अडेज यूएस इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स इंडिया नॉट टूवर्ड्स पाकिस्तान। इसके भी कई रीज़न हैं, जैसे FATF में ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का आना और टेररिज्म को बढ़ावा देना। तो इसके अलावा ऑब्वियसली पाकिस्तान यूएस के ऊपर भी जो अटैक्स हुए हैं, तो ये सारे ऐसे इवेंट्स रहे हैं जो यूएस को इंडिया की तरफ झुकने पर मजबूर करते हैं। और साथ में जो पॉजिटिव फैक्टर है इंडिया का कि चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए, इंडियन ओशन में अपना प्रेजेंस बनाए रखने के लिए, इंडिया इज अ वेरी आई मीन इम्पॉर्टेंट नेशन फॉर यूनाइटेड नेशंस, तो फॉर यूनाइटेड स्टेट। तो ये सब रीजंस है जिसकी वजह से कि इंडिया की तरफ यूएस का झुकाव ज़्यादा है। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि अगर अफगानिस्तान जस्ट इंडिया के पास है, तो यहाँ पर इंडिया को इंटरवीन करना चाहिए, ऐसा यूएस का मानना है, और वहाँ पर अपने मिलिट्री ग्रुप्स को भेजना चाहिए और वहाँ की सिक्योरिटी को अपने हाथ में लेना चाहिए। तो अभी इंडिया से ये एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि इंडिया को इंटरवीन करना चाहिए अपने रीजनल प्रोटेक्शन के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत हो सकती है यूएस के साथ, एक ये सुझाव यहाँ पर दिया गया है। दूसरी चीज़ है कि अगर इंडिया वहाँ पर अपने आर्मी को भेजता है, तो वहाँ पर क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में बातचीत हो सकती है। अभी जो प्रेजेंट मीटिंग होने वाली है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो ये सारे बेसिक फैक्टर्स को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। और इसके बाद ऑब्वियसली जो अदर स्ट्रेटेजिक फील्ड्स हैं, वहाँ पर यूएस के साथ हमारा अच्छा कॉपरेशन है और उसको और कैसे हम स्ट्रांग बनाएं, फॉर दैट वी कैन डिस्कस। सो द यूएस इंडिया सिक्योरिटी कॉपरेशन द ईस्टर्न इंडियन ओशियन एंड द पैसिफिक, बट प्रोग्रेस हैज बीन स्टडी। तो अल्टीमेटली ये कहा जा रहा है कि जो कॉपरेशन है उसको हॉलीवुड टू बॉलीवुड ना रखते हुए उसको और एक्सटेंड करके वेस्टर्न इंडियन ओशन तक बढ़ा के ले जाना चाहिए। अगला आर्टिकल देखते हैं, द नेक्स्ट मिशन, जल जीवन मिशन पर ये आर्टिकल लिखा गया है। लेकिन इस आर्टिकल में पहले तो सारी की सारी बात, जो 80% बातें हैं, वो स्वच्छ भारत मिशन के बारे में की गई हैं। स्वच्छ भारत मिशन के सक्सेस को इसमें सेलिब्रेट किया गया, उसके बाद कुछ जो पैरा है वो जल जीवन मिशन के बारे में है। तो यहाँ पर बात अफ्रीकन नेशंस की हो रही है। अभी अदीस अबादा में एक मीटिंग हुई थी और उस डिस्कशन में क्या बातचीत हुई स्वच्छ भारत मिशन के बारे में, उसके बारे में सारी चीज़ें लिखी गई हैं। आपको बता दें कि अफ्रीका में भी जो इंडिया का स्वच्छ भारत मिशन मॉडल है उसको अपनाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर इश्यूज़ ये आ रहे हैं कि पॉलिटिकल विल थोड़ा कम है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल कहा गया है कि इथियोपिया, नाइजीरिया, केन्या, सेनेगल, ये जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ये इतना अच्छा सक्सेस पाने वाला मिशन जो भारत में है वो उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ पर लैक ऑफ फंडिंग है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट थोड़ा कम है, इसकी वजह से वो कंट्रीज़ अपने उस लेवल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से इंडिया ने अचीव किया। अब इंडिया में ऐसा क्या हुआ, तो सबसे पहले तो इंडिया में एक स्ट्रांग लीडरशिप हुई। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने जो अनाउंसमेंट किया उसको एक के बाद एक वो पूरा करते चले गए। इसके लिए जितनी भी चीज़ें हुई, चाहे वो पब्लिक फाइनेंसिंग से लेकर के लोगों को अवेयर करने तक, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर मेंटेन किया गया। 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद सारे मिनिस्टर्स, एनवायरमेंटल मिनिस्टर्स, सभी लोग पार्टिसिपेट करते आए और इस बात को समझा। तो कैसे इतना सक्सेस हुआ, पहले हम इसकी बात भी कर लेते हैं। द मेजोरिटी ऑफ दीज फंड्स हैव गॉन टूवर्ड्स द इंसेंटिवाइज द पुअर।
तो यहाँ पर जैसे हमें अगर स्वच्छ भारत मिशन को इम्प्लीमेंट करना था तो वो रूरल अर्बन दोनों एरिया में करना था, और खास करके रूरल एरियाज़ में लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत थी। अब इसको दो तरीके से मोटिवेशन हो सकता था, एक तो ये था कि हम डायरेक्ट उनको इंसेंटिवाइज़ कर दें और फिर अवेयर करना, तो अवेयरनेस भी चल रहा था लेकिन साथ में उनको इंसेंटिवाइज़ भी किया जा रहा था जो पुअर और मार्जिनल हाउस होल्ड्स थे। तो कैसे किया गया, उनके यहाँ पर टॉयलेट्स बनवाए गए, हाउस होल्ड्स टॉयलेट के लिए स्कीम्स लाए गए और उनको फाइनेंशियल हेल्प किया गया। तो जब किसी को फाइनेंशियल डायरेक्टली हेल्प किया जाएगा, इंसेंटिवाइज किया जाएगा, तो वो चीज़ें जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। मान लीजिए सिर्फ अवेयर कर दिया जाता कि आपने घरों में टॉयलेट बनवाइए, ओपन डेफिकेशन गलत है, लेकिन तो ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये आता कि उनके पास पैसे ही नहीं है टॉयलेट्स बनवाने के लिए, तो इसमें सरकार ने अपनी तरफ से उनको मदद किया और हाउस होल्ड टॉयलेट्स को बनवाया गया। 10 करोड़ टोटल टॉयलेट्स बनवाए गए रूरल इंडिया में सिर्फ, ठीक है, एंड नियरली 55 करोड़ पीपल हैव स्टॉप्ड डेफिकेटिंग इन द ओपन। तो 10 करोड़ टॉयलेट्स बनवाए गए सरकार की तरफ से, जो कि एक बहुत मेजर अचीवमेंट आप इसको मान सकते हैं। एंड इसका इफेक्ट ओवरऑल देखने को मिला कहाँ पर, इकोनॉमी पर भी और एम्प्लॉयमेंट पर भी, मार्केट पर भी, हर जगह पर। क्योंकि जब स्वच्छता होगी, सैनिटेशन होगा, तो उससे अपने आप हेल्थ जो है वो ठीक होगा। वहीं यूनिसेफ का एक डाटा है, रिसेंटली एस्टिमेटेड द इन्वेस्टमेंट इन सैनिटेशन इन इंडिया, सैनिटेशन के ऊपर भारत में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है, वो है 400% रिटर्न इन ईच रूरल हाउस होल्ड इन ओपन डेफिकेशन फ्री विलेज, सेविंग 50,000 ऑन अकाउंट अवॉइड मेडिकल कॉस्ट एंड सेविंग। जो इन्वेस्टमेंट हुआ सैनिटेशन पर, उससे क्या फायदा मिला कि जो हाउस होल्ड थे या गांव थे वहां पर 50,000 तक पैसे बचाए गए, क्योंकि उनको मेडिकल कॉस्ट और अलग से सेविंग्स में पैसे देने नहीं पड़े, उनके सेविंग के पैसे जो थे वो उनके पास बच गए, वो मेडिकल में नहीं गए। तो ये डाटा है यूनिसेफ का इंडिया के एस्टिमेशन में। द सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस मार्केट इन इंडिया विल बी वर्थ ओवर 60 बिलियन बाय 2021। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर और इन सभी पर कितना खर्च हुआ, इसका एक सिंपल सा डाटा है। मैनी पीपल इंगेज इन बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग टॉयलेट रिलेटेड टू द हार्डवेयर एक्सेसरीज हैव रिपोर्टेड ह्यूज ग्रोथ इन द सेल्स। तो इससे क्या हुआ, जो ये हार्डवेयर एक्सेसरीज थी वो भी काफ़ी ज़्यादा बिकी। तो इससे सिर्फ और सिर्फ सैनिटेशन का या नॉर्मल हेल्थ सेक्टर में ही फ़ायदा नहीं हुआ, इकोनॉमिक सेक्टर में भी बहुत फ़ायदा हुआ। इन कंपनियों को भी बहुत फ़ायदा हुआ जो टॉयलेट से रिलेटेड हार्डवेयर एक्सेसरीज बनाती थी, उसका उसकी खपत अचानक से बहुत बढ़ गई। 10 करोड़ टॉयलेट्स अगर रूरल एरिया में एक साथ बने हों तो आप समझ के देखिए कितने एक्सेसरीज की ज़रूरत पड़ी होंगी। तो इस स्वच्छ भारत मिशन के पीरियड में उनका भी काफ़ी सेल हुआ, वहाँ पर उनको काफ़ी हेल्प मिली। एंड अनदर एक रिपोर्ट है यूनिसेफ का, उसमें बताया गया विच दे हैव एस्टिमेटेड दैट स्वच्छ भारत मिशन हैज रिजल्टेड इन क्रिएटिंग 75 लाख फुल टाइम इक्विवेलेंट जॉब। इससे 75 लाख फुल टाइम जॉब्स क्रिएट हुई, जो कि एक बहुत मेजर बूस्ट था रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। फेयरली क्लियर नाउ द इन्वेस्टमेंट इन सैनिटेशन इज एक्चुअली फैसिलिटेटर ऑफ द ब्रॉडर इकोनॉमी हेल्थ एंड सोशल गेन। तो इकोनॉमी, सोशल गेन, हेल्थ, इन सभी में आपको डायरेक्ट फायदा मिलता है जब आप सैनिटेशन पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को क्यों टारगेट किया गया है, बिकॉज यहाँ पर अफ्रीका को टारगेट करके लिखा गया है कि वहाँ पर पॉलिटिकल विल नहीं है ज़्यादा या इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है सैनिटेशन के फील्ड में। तो वही बताया जा रहा है कि जब आप सैनिटेशन में पैसे खर्च करते हैं तो उसका फायदा आपको एक ही जगह नहीं बल्कि 3 से 4 जगह पर मिलता है। तो इसीलिए इस पर पैसे खर्च करना आपको कभी नुकसानदेह नहीं लगता, वो हमेशा आपके फायदे में होता है। उसके बाद 2 अक्टूबर को हमने एक माइलस्टोन भी क्रिएट किया और पूरे रूरल इंडिया को, पूरे इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित किया। हालांकि अभी यहाँ पर रुका नहीं जाएगा, इसके बाद के भी जो टाइमलाइंस हैं वो फिक्स हैं कि कैसे हमें इसको बरकरार रखना है। उसके बाद एक नया अनाउंसमेंट किया गया है जल जीवन मिशन का, और उसमें जल जीवन मिशन को रखा गया कि 2024 तक इसमें पाइपलाइन वाटर जो है, पाइप्ड वाटर पहुंचाया जाएगा घरों घरों तक। तो 3.6 लाख करोड़ फंड इसमें तैयार किए जाएंगे सेंट्रल और स्टेट फंड की तरफ से स्कीम में, जिसमें जल जीवन मिशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इसमें भी सेम तरीके की कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, बजटरी रिसोर्सेज लाए जाए, इन्वेस्टमेंट किया जाए, रूरल इंडिया में लोगों को अवेयर किया जाए, वाटर को कैसे कंजर्व करना है, कैसे रीयूज करना है,
उस चीज़ को समझा जाए। एंड यहाँ पर जो इसमें एलोकेशन है वो फ्री फाइनेंस कमीशन के द्वारा क्लियर किया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के बारे में है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन सभी चीज़ों को डिस्कस किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, सब्सक्राइब दिस चैनल। कैसा लगा ज़रूर बताया कीजिए, बहुत अच्छा लगता है अच्छे अच्छे कमेंट्स को पढ़ के। थैंक यू, थैंक्स लॉट, कीप स्टडिंग।